हेलो फ्रेंड्स, आज आपको WDS कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। WDS इंस्टॉल करने से पहले हमें कौन कौन सी सर्विसेज इंस्टॉल करनी होती हैं ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या क्या सर्विसेज हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्री रिक्वायरमेंट फॉर WDS, प्री इंस्टॉल्ड विंडोज सर्वर 2008 होना चाहिए। WDS सर्वर होना चाहिए विद स्कोप कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ADDS सर्विसेज विद DNS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल होनी चाहिए DNS के साथ, यानी कि डोमेन कंट्रोलर बना होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है WDS कॉन्फ़िगर करने से पहले। सो मैंने पहले से ही ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रखी है, एक विंडो इंस्टॉल कर रखा है, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है और एक्टिव डायरेक्टरी विद DNS कर रखा है मैंने। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक करना है कि ये कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। आप सर्वर मैनेजर पे जा सकते हैं, यहाँ से रोल्स पे जा सकते हैं। सो यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हैं, DHCP सर्वर है, DNS है और फाइल सर्विसेज भी हैं। फाइल सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, DNS होना चाहिए। अब स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, WDS सर्विस इंस्टॉल करेंगे। क्लिक स्टार्ट मेनू, सर्वर मैनेजर, रोल्स पे क्लिक करेंगे, ऐड रोल्स। एड रोल विजार्ड से हम WDS सर्विसेज, लास्ट में आप देख रहे हैं विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहां से WDS सर्विसेज आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, यू कैन यूज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज टू इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोटली ऑन कंप्यूटर्स That are PHC enabled, यानी कि WDS वो सर्वर होता है जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिमूवेबल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नंबर ऑफ कंप्यूटर, नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे एक सर्वर के थ्रू रिमोटली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज विस्ता, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज सर्वर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप WDS के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन या लैब में। सो देखते हैं कि WDS इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था। WDS पे टिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देन नेक्स्ट इंस्टॉल। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है WDS का। ओके, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, इंस्टॉलेशन सक्सेस हो गया है। क्लोज कर देते हैं विजार्ड को, देन आगे इसे कॉन्फ़िगर करना है। WDS कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाना है, लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। WDS का कंसोल ओपन होके आएगा, यहाँ से आपका ये सर्वर नेम है पूरा, FQDN नेम, server.ideasforvictory.com, इस पे राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर सर्वर क्लिक करेंगे, होम पेज आया, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, टू सक्सेसफुली इंस्टॉल एंड यूज WDS सर्विसेज यू नीड टू दिस कंप्यूटर टू बी अ मेंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, या तो मेंबर होना चाहिए या खुद इस पे WDS ADDS सर्विसेज होनी चाहिए, और एक एक्टिव DHCP सर्वर होना चाहिए आपके नेटवर्क में, और एक्टिव DNS सर्वर होना चाहिए, और NTFS
पार्टीशनड होना चाहिए जिस पे आप स्टोर करोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएससीपी भी है कॉन्फ़िगर्ड, स्कोप रेंज 192 की रेंज में। तो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है। देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर लोकेशन, ये वो लोकेशन है जहाँ पर आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहते हैं क्लाइंट पे। जैसे मैं अभी इस केस में विंडोज 7 को डिप्लॉय करूंगा क्लाइंट मशीन पे, मुझे अपने क्लाइंट मशीन पे विंडोज 7 इंस्टॉल करना है, इसीलिए ये विंडोज 7 जहां पे मुझे रखना है इस सर्वर पे, उस जगह की उस लोकेशन को हमें यहां पर ब्राउज करके आप देख सकते हैं। यहां पर ई ड्राइव है, ई ड्राइव का स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप इसको सी ड्राइव पे ही रख सकते हैं। तो सी ड्राइव के अंदर, वैसे आपको मैं रिकमेंड करता हूँ या विंडोज रिकमेंड करता है कि अगर आप ऐसा सर्वर बनाते हैं, WDS सर्वर बनाते हैं, तो आपको OS ड्राइव नहीं चूज करनी चाहिए, कोई अनदर ड्राइव चूज करनी चाहिए जिस पर आप ये इंस्टॉल नाम का फोल्डर रख रहे हैं। और इस इंस्टॉल नाम के फोल्डर पे, रिमोट इंस्टॉल नाम के फोल्डर के अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज फाइलें होती हैं जो आप क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी फिलहाल इस केस में मैं सी ड्राइव ही रखता हूँ और नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। देन यहाँ कह रहा है द वॉल्यूम सेलेक्टेड इज ऑल्सो द विंडोज सिस्टम वॉल्यूम वी रिकमेंड, दैट मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है दैट रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर बी प्लेस्ड ऑन सेपरेट वॉल्यूम एंड वेयर पॉसिबल ऑन अ सेपरेट डिस्क फ्रॉम द सिस्टम वॉल्यूम। सो ये वार्निंग इसी वजह से दे रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको नॉन ओएस ड्राइव को चूज करना है ये इंस्टॉलेशन रखने के लिए। यस करें तो ये दोनों ऑप्शन आपको चूज करना है, अदरवाइज आपका विंडोज क्लाइंट बूट नहीं करेगा। जैसे आपने ये टिक नहीं किया और ये दोनों टिक नहीं किया तो WDS क्लाइंट की मैसेजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पर अब ये PXC सर्वर इनिशिएट सेटिंग्स है, चूज एप्रोप्रिएट आंसर्स पॉलिसी बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट रिस्पॉन्स टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर, अगर ये टिक रहने देते हैं तो क्लाइंट कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम बूट तो स्टार्टिंग हो जाएगी पर बूट कर नहीं पाएगा। सेकेंड ऑप्शन है रिस्पॉन्स ऑनली टू नॉन क्लाइंट, इसको करने पे आपको सिर्फ उसी क्लाइंट का कंप्यूटर बूट करेगा जिसको जो रजिस्टर्ड है। सेकेंड ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो इस पे वो सारे कंप्यूटर्स बूट कर पाएंगे जो उस लैन में एग्जिस्ट करते हैं। देन फिनिश करते हैं, कॉन्फिगर हो रहा है WDS। ओके, सक्सेसफुली स्टार्टेड WDS सर्विसेज। देन यहां पर आप देख सकते हैं फोल्डर है इंस्टॉल इमेज और बूट इमेज, दो इमेज आपको ऐड करानी होती है जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्लाइंट पे मशीन पे इंस्टॉल करना होता है WDS के थ्रू। एक बार देख लेते हैं ये येलो कलर मार्क्स आ रहे हैं, IP है प्रॉपर नहीं, यस ओके। सो आपको WDS पे जाना है, यहाँ WDS कंसोल एक्सेस करते हैं, इंस्टॉल इमेज। अब मैं विंडो 7 की DVD इंसर्ट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर CD इसने रीड कर ली है। अब इसको ओपन करके देख सकते हैं ये मैटर इसका आ गया है, कंटेंट शो कर गए हैं। WDS ओपन करते हैं एक बार फिर से, इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करेंगे, ऐड इंस्टॉल इमेज, नेक्स्ट ब्राउज करेंगे, यहाँ से कंप्यूटर ओपन करेंगे, ये CD DVD को ब्राउज करेंगे। CD DVD के अंदर आपको सोर्सेस फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे, देन इंस्टॉल डॉट vim, इंस्टॉल इमेज पे क्लिक किया था इसलिए इंस्टॉल डॉट vim सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ से आप आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्लाइंट साइड पे आपको x86 इंस्टॉलेशन कराना है या x64। अगर बोथ कराने हैं क्लाइंट साइड पे दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर दोनों में से किसी एक को करना है तो आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां मैं दोनों रहने देना हूं ताकि क्लाइंट
को ऑप्शन मिल सके कि उसे x86 पे बूट करना है या x64 बिट पे। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, अब ये ऐड हो रहा है install.vim नाम का फाइल। जब तक ये ऐड होने में थोड़ा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये कंप्लीट हो गया है, ऑपरेशन कंप्लीट। फिनिश करते हैं। ऐड इमेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है, इंस्टॉल इमेज ऐड हो चुका है। अब हमें बूट इमेज ऐड करना है, तो बूट इमेज पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड बूट इमेज पर क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, यहाँ से boot.vim ओपन करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ इमेज का आप नाम दे सकते हैं, अभी मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यह है, अब बूट इमेज ऐड करेंगे। फिनिश नाउ। अभी आपका WDS में कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। एक बार सर्विस को मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। सो आपने देखा ये सर्विसेज रिस्टार्ट हो गई। यहां से आप क्या करना है, आपको क्लाइंट कंप्यूटर्स पे जाना है, लैन से बूट कराना है। बायोस में लैन इनेबल करके आप फर्स्ट बूट प्रायोरिटी लैन रखेंगे और सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। जैसे रिस्टार्ट करेंगे आपका सिस्टम लैन से बूट कर जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से आप एक यूजर नेम ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप बूट कराओगे तो वहाँ ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि आपको WDS किससे बूट कराना है, कौन सा WDS है। तो यहाँ पर एक आप यूजर ऐड कर सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर से जाके एक न्यू यूजर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पासवर्ड दे देते हैं कोई भी। फिनिश। तो अभी क्या है, जब आप वहां पे क्रेडेंशियल मांगेगा इंस्टॉलेशन होने के टाइम पे, तो आप anil@ideasforvictory.com एड्रेस देंगे और पासवर्ड देंगे, देन क्रेडेंशियल कंप्लीट होते ही आपका नेक्स्ट विंडो आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे WDS इमेज को ऐड करते हैं और WDS कैसे कॉन्फिगर करते हैं। थैंक यू।